ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2024, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम मुरली मंथन प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे करते हैं। आप भी सभी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप सामने व्हाट्सएप करके चलते हुए लाइन में देख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर व्हाट्सएप करके भी लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। ये लिंक सवेरे शाम को रोजाना एक ही है। आपका कोई प्रश्न हो तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव हो तो भी व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को दुख धाम का संन्यास कराने। संन्यास किसका किया जाता है? संन्यास किसका करते हैं सन्यासी? क्यों अपने परिवार को जंगल छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं? आज की दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, परिवार का संन्यास करते हैं। क्यों करते हैं परिवार का संन्यास? दुखी होकर करते हैं, दुखी होते हैं, परिवार से दुखी होते। उनके संन्यास के पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे, ये सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में क्यों चले जाते हैं? कई तो प्रभु प्राप्ति के लिए चले जाते हैं, पवित्र नहीं रह सकते घर में, सब जंगल में चले जाते हैं। क्योंकि उन्हें प्रभु को प्राप्त करना है, उसके लिए घर गृहस्त का, परिवार का, समाज का संन्यास करते हैं। सबसे पहले जब संन्यास था तो सत्व प्रधान था, उनका एक ही लगन होती थी कि हमें प्रभु को प्राप्त करना है, इसलिए वो पवित्र रहने के लिए घर बार छोड़ करके बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी बनकर चले जाते थे। गुरु के पास गए, गुरु ने उनको शिक्षा दी और गुरु के बहकावे में आकर वो परिवार में आते ही नहीं थे। फिर धीरे धीरे ये संन्यास रजो फिर तमो में आता गया, तो धीरे धीरे आज ये तमो प्रधान संन्यास है, मतलब घर बार भी नहीं छोड़ते, जंगल में भी नहीं जाते और संन्यासी बन के बैठे हुए हैं। दिखाते हैं कि हम संन्यासी हैं, होते संन्यासी नहीं, होते और ही विकारी हैं। पवित्रता का उनके पास कोई नामो निशान नहीं। तो अब हमारे पास यहां संन्यास क्यों करते हैं, वो अपने आप को, जो पहला सत्व प्रधान संन्यास था कि अपने भाग्य को, अपने जीवन को गुरु के डायरेक्शन पर श्रेष्ठ बनाने के लिए, और वो सब उनको समझाया जाता था कि ये जो संसार का सुख है ये काग विष्ठा के समान है, ये बेकार है, इसको छोड़ो और मुक्ति को प्राप्त करो, ताकि आप इस जन्म मरण के चक्कर में ही ना आओ। इस जन्म मरण के चक्कर से निकलने के लिए वो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते थे। अब बाबा कहते बच्चे तुम्हें घर बार जंगल जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर में रहते हुए जो कुछ भी इस संसार में आप देख रहे हो ये सारा का सारा दुख देने वाला है। केवल संसार का सुख वो समझते थे क्या बोलते हैं, काग विष्ठा समान है। बाबा कहते ये संसार के अंदर तो है ही दुख, अब इस दुख को छोड़ो। दुख को छोड़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले किसको छोड़ना है? अपने शरीर को छोड़ो, शरीर के संबंधियों को छोड़ो। हमारे दुख का कारण तो ये शरीर है, हमारे दुख का कारण हमारा ये शरीर है,
इसके कारण ही तो हमें संसार के संबंध, संसार की वस्तुएं, संसार के झमेले में फंसना पड़ता है और हमें इस संसार के झूठे सुखों से, झूठी काया, झूठी माया, इस झूठे संसार का क्या करना है? संन्यास करना है। इसके सामने रहते हुए, इसके साथ रहते हुए इसको यूज नहीं करना, इसको अपना नहीं समझना। जैसे ही हम इसको अपना समझेंगे तो हमें इसके अंदर फंसेंगे। जब ये मेरा है ही नहीं तो हम इसके दुख से मुक्त हो गए, हम इस प्रकार के बंधन से मुक्त हो गए। इसको जीवन बंधन भी कहा, दुख को क्या कहा? जीवन बंधन भी कहा। हम इस जीवन बंधन से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। हम जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हमारे लिए संसार की कोई चीज हमें बंधन नहीं डाल सकती। हम हर चीज के बंधन से मुक्त, हर चीज के साथ हमारा बंधन वाला हिसाब बना हुआ भी है, क्योंकि जिनको हमने दुख दिया हुआ है वो दुख हमारे पास आएगा। जीवन बंधन होते हुए भी हम उस सच्चाई को समझ लेते हैं कि जो कुछ भी आ रहा है वो मेरा ही आ रहा है, मेरा दिया हुआ ही आ रहा है। जब ये बात हमारी बुद्धि के अंदर बैठ जाती है तो फिर हम दुखी होने से बच जाते हैं। हम अपने आप को समझ लेते हैं, कोई सुख दे रहा था अब सुख देना बंद कर दिया, कोई सुख दे रहा था दुख देना शुरू कर दिया। चाहे वो सुख दे रहा है, नहीं दे रहा है, दुख दे रहा है, जो कुछ भी दे रहा है, उसको उसके बंधन से अपने आप को क्या करो? फ्री करो। तो इस संसार से हमने अपने आप को क्या करना है? संन्यास करना है, फ्री करना है। हमने उसके प्रभाव में नहीं आना है, उसको साक्षी होकर देखना है। हमारा संन्यास इस प्रकार का है, ये है बेहद का संन्यास। जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, हम उसमें कोई कमी कोई गलती देखने का प्रयास ही ना करें, ये हमारा संन्यास है, ये है बेहद का संन्यास। कोई भी चीज, अच्छी चीज हमें आकर्षित ना करे, बुरी चीज हमें घृणा पैदा ना करे। प्रश्न, उन संन्यासियों के संन्यास में और तुम्हारे संन्यास में मुख्य अंतर क्या है? वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। वे जंगल में जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हम इनको छोड़ेंगे, इनके झमेले से मुक्त हो जाएंगे। चार पांच छह परिवार के लोगों को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं और फिर क्या होता है? अनेकों भगत, अनेकों चेले के वो गुरु बन जाते हैं। एक और बहुत बड़ा परिवार का झमेला अपने सिर पर पाल लेते हैं, क्योंकि उनके हाँ जी संस्था बना के पैसे इकट्ठा करना शुरू। उसके चक्कर में उन्होंने बताया कि हम दो चार पांच को छोड़कर गए थे, थोड़ी बहुत हमारे हमने चमत्कार दिखाए और हमारे चमत्कार दिखाने के कारण लोग हमारे ऊपर क्या हो गए? फिदा हो गए। उन्होंने धन वर्षा कर दी, हमने बड़े बड़े अखाड़े बना लिए। अब फलाना सेठ आ रहा है, उसके लिए रहने की व्यवस्था करनी है, फलाना सेठ आ रहा है उसके लिए। अब हम एक नए परिवार के झमेले में, इतने बड़े परिवार के झमेले में फंस गए, हम वो नहीं रहे। इस बात को हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर आकर के बहुत सारे सन्यासियों ने इस बात को स्वीकार किया कि हम अब जो है ना उस झमेले में फंस गए, जिस झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को छोड़ करके गए थे, तो वहां पर हम और ही ज्यादा फंस गए। और क्या होता है कि हम ही जो है ना क्या करना है, उनके साथ क्या हुआ कि जो पवित्रता थी, सतो प्रधान पवित्रता जो थी द्वापुर में, वो छोड़ करके जाते थे, पवित्र रहते थे। तो बाबा कहते ये इस संसार को
तमो प्रधान बनने से, काम की आग में जलने से बचाने में उनकी पवित्रता का सहयोग मिला। यदि वो ब्रह्मचर्य का पालन ना करते, पवित्र बन के जंगलों में ना जाते, तो हमें इस संन्यास में और संसार में, काम की आग में सारा संसार कब का जल मरता। अब गृहस्थ तो रह गया यहाँ और आश्रम चले गए जंगल में। जब सतयुग था तो गृहस्थ आश्रम था, परंतु जैसे ही ये सन्यासी जंगल में चले गए, पवित्रता जंगल में चले गई और ये रह गए, क्या कहते हैं यहाँ पर रहने वाले, अपने घर में रहने वाले, गृहस्थी, गिरी हुई हस्ती, यानी उन आश्रम को भेज दिया जंगलों में और खुद बन गए गृहस्थी। रोते हुए बोलते हैं, क्या करें भाई, हम तो गिरी गृहस्थी हैं, हम कैसे कर सकते हैं, इतना दुखी है वो, दुखी मन से गाते हैं। और अब बाबा क्या कहते हैं, इस गृहस्थ को आश्रम बना दो, गृहस्थ के साथ आश्रम जोड़ दो। जब गृहस्थ आश्रम बनेगा तभी जीवन तुम्हारा सुखी होगा। घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हैं। हम क्या समझते हैं, ये सारे के सारे घर में रहते हुए क्या है, ये कांटों का जंगल है। कब है कांटों का जंगल, जब हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा की श्रीमत पर देखें तो यही हमारा क्या बन जाता है, फूलों का बगीचा बन सकता है। हमने इसको फूलों का बगीचा बनना है, बनाना है, हाँ, हमने इसे फूलों का बगीचा बनाना है। ये है कांटों का जंगल और हमने इसे फूलों का बगीचा बनाना है। और बनाना है कैसे, अपने कर्मों से। उन्होंने तो जो हमने कांटे दिए हुए थे, हमने जो उनको जंगल बनाया था, जंगल भी हमने बनाया था, इसको बगीचा भी हमने बनाना है। हमने उनको दुख देकर जंगल बनाया था, अब वो हमें दुख दे रहे हैं, परंतु अब जब वो हमें दुख दे रहे हैं, हमने उनको सुख देकर इसे क्या बनाना है, फूलों का बगीचा बनाना है। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का सन्यास कर दो। हमने शरीर रूप से फिजिकली इसको संसार को नहीं छोड़ना, हमने बुद्धि से समझना है कि ये सब मेरा कुछ नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये परिवार भी मेरा नहीं है, ये संसार के जो कुछ भी दिखाई दे रही है चीजें, ये सब नाशवान है, ये मेरी नहीं है। मेरा संबंध है तो केवल इन सब आत्माओं से है, क्योंकि ये सब आत्माएं मेरे बाप के बच्चे हैं। मैंने इनको क्या देना है, अकर्म का अकाउंट देना है, मैंने इनको रूहानी सुख देना है, जिससे ये रूहानी संबंध में आएंगे। अब मैंने इनके साथ जिस्मानी कोई भी संबंध नहीं रखना है। तो जब हम रूहानी संबंध रखेंगे तो चाहे परिवार वाले हों, तो चाहे परिवार से अलग हों, सबके साथ हमारा व्यवहार अलग हो जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्प के बेसमझ है ना, आधा कल्प के बेसमझ है ना, तो रोज रोज समझाना पड़ता है। पहले पहले तो मनुष्यों को शांति चाहिए, आत्माएं सब असुल रहने वाली भी शांति धाम की है। हम सारी आत्माएं वास्तव में सारी की सारी आत्माएं कहां की रहने वाली हैं, शांति धाम की रहने वाली है। बाप तो है ही सदैव शांति का सागर, अब तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो, शांति के सागर बाप से शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। कहते हैं ना शांति देवा, तो शांति देवा कौन, अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम ले जाओ, अथवा शांति का वर्षा दो। देवताओं के आगे या शिव बाबा के आगे ये जाकर कहते हैं, सारी दुनिया कहती है, हे भगवान इस आत्मा को शांति देना,
मेरी आत्मा को नहीं कहते कि शांति दो। जब बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं भगवान मुझे शांति दे, क्योंकि शिव बाबा है शांति का सागर, तो सारे परम आत्मा से शांति मांगते हैं। और शांति किसके लिए मांगते हैं? आत्मा के लिए। शरीर के लिए शांति कोई नहीं मांगता, शरीर तो आत्मा के निकलते एकदम शांत होता है। कहते अभी शरीर को तो शांति मिल गई, इसको तो जला दें, परंतु उस आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि उसको शांति मिल जाए। अभी तुम शिव बाबा से शांत। हाँ जी, लेकिन मरने के बाद कहते हैं ये बात कि उस आत्मा को भगवान शांति दे, लेकिन जीते जिंदगी उस आत्मा के बारे में नहीं कहते कि उसको मतलब उसको दुख देते हैं, खुद देते हैं दुख। कैसे दें, कैसे कहें? अरे तो दुनिया के सामने कहना पड़ता है, और वही माँ बाप होते हैं, परिवार के लोग होते हैं और दुखी होते हैं, मर जाते हैं, फिर सबके सामने कहते हैं शांति। जीते जी खाना नहीं देते, उसके बाद उनके लिए क्या बोलते हैं 21 गांव का भोजन खिलाते हैं। हर एक का पार्ट है, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना है। बाप को याद करते करते मतलब बाबा की श्रीमत पर चलते चलते तुमको शांति धाम में जाना है जरूर। नहीं याद करेंगे, यदि बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो भी जाएंगे जरूर। फिर क्या फर्क हुआ? सजाएं खाकर जाएंगे, क्योंकि जाना तो पड़ेगा, कार्मिक अकाउंट बराबर करना पड़ेगा, और उसी सेकंड में जाना पड़ेगा। जिस सेकंड में बिना सजाएं खाले हुए खाने वाले जाएंगे, उसी सेकंड में सजाएं खाने वाले भी जाएंगे। क्यों सजाएं खाकर जाएंगे? क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसे किए हुए हैं जिसका फल तो उनको लेना ही पड़ेगा ना। याद इसलिए करते हैं कि पापों का बोझा जो सिर पर है वो खत्म हो जाए, पापों का बोझा जो सिर पर है वे खत्म हो जाए। शांति और सुख मिलता है एक बाप से, शांति भी और सुख भी किससे मिलता है? एक बाप से मिलता है, क्योंकि वे सुख और शांति का सागर है। शिव बाबा ही सुख देने वाला भी है और शांति देने वाला भी है, वे चीज ही मुख्य है। शांति को मुक्ति भी कहा जाता है, शांति को क्या कहते हैं? मुक्ति भी कहा जाता है, और फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंद भी है। अभी तुम जीवन बंद से जीवन मुक्त हो रहे हो, जीवन बंद से क्या हो रहे हो? जीवन मुक्त हो रहे हो। सतयुग में कोई बंधन नहीं होता, सतयुग में कोई बंधन नहीं होता है। गाया भी जाता है सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सदगति, सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सदगति गाया जाता है। कहां से मिलेगी? बाबा की श्रीमत पर चलने से। अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है। गति कहा जाता है शांति धाम को, सदगति कहा जाता है सुख धाम को, सुख धाम और शांति धाम, और फिर ये है दुख धाम। जहां हम बैठे हैं ये है दुख धाम। तुम यहां बैठे हो, बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम घर को याद करो। आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है, बाप आकर याद दिलाते हैं, समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों तुम घर जा नहीं सकते हो, हे रूहानी बच्चों तुम घर नहीं जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करेंगे। ये कोई शर्त लागू होती है क्या? पति से पूर्ण नहीं बनूंगे जब तक घर नहीं जा सकते, जब तक पतित से पावन नहीं बनेंगे तब तक घर नहीं जा सकते। क्या सभी पावन बनेंगे? सभी बनेंगे,
जितना परसेंटेज वाइज ही बनना, जितना जितना परसेंट जिसने बनना है उतना परसेंट सभी पावन बनेंगे। सबकी पावन बिल्कुल अलग अलग है, परंतु पावन तो बनना ही पड़ेगा। और पावन बनने का तरीका भी सिर्फ एक है, रास्ता भी एक है। ये नहीं कि किसी भी रास्ते से चलेंगे जो हम वहां पहुंचेंगे, वो भी नहीं है। और पावन बनने का तरीका भी क्या है, बाबा की श्रीमत पर चलना। जितना जितना कोई बाबा की श्रीमत पर चलेगा उस हिसाब से अपनी पवित्रता को प्राप्त करेगा। और पवित्रता का मतलब है अपनी आत्मिक स्मृति में रहना और इस संसार की दुनिया को बिल्कुल भूल जाना, इस संसार के झमेले से अपने आप को आजाद कर लेना। याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ देखो, उन्हें 40 द्वापर वाली आत्मा को भी 50% तक 45% तक तो पवित्र बनना है ना, 40% तक बनना है, 30% तक बनना है। वो बाबा के पास डायरेक्ट पढ़ने नहीं आएंगी, परंतु बाबा का ज्ञान बेशक इनडायरेक्ट लेंगी, परंतु पवित्रता तो धारण करेंगी ना। इनडायरेक्ट भी ज्ञान तो वो एक ही है ना, शिव बाबा का ज्ञान तो वही शिव बाबा का लेंगे, परंतु डायल्यूटेड लेंगे ना, उसमें मन मत मिक्स हो चुकी होगी ना। बहुत सारे धर्म पंथ के जो गुरु हैं, संत हैं, महात्माएं हैं, उनकी जो खिचड़ी है वो पक चुकी होगी ना, वो अपना खिचड़ी क्या है। मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है ना, हर एक महात्मा संत गुरु जितने भी दुनिया के बने हुए हैं वो अपने फॉलोवर्स को बाबा की बातें अपने हिसाब से समझ कर देंगे। और वो ये मान लेंगे कि परमात्मा आ गया, हाँ। परमात्मा निराकार है, हम आत्माओं का पिता है, ये सब जन जान जाएंगे कि परमात्मा आ गया। ये तो आज की डेट में, ये तो आज की डेट में भी सारे मानते हैं गॉड इज वन। ब्रह्मा कुमार बने ये कोई जरूरी नहीं, ब्रह्मा को पढ़ाने आ गया है, शिक्षा दे रहा है, ये मान लेंगे। ब्रह्मा कुमार तो सभी बनेंगे ना, द्वापर और कलयुग की आत्माएं भी, क्यों नहीं। फिर ब्रह्मा बाबा बेहद का मनुष्य जीव आत्माओं का बाप कैसे कहलाएगा, जब वो उनका तो यही बात कहते थे, सभी सभी बेहद की जीव आत्माओं का बाप बनेगा ब्रह्मा ना, प्रजापिता ब्रह्मा है ना, सब नहीं लेना है, परंतु वो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है। कोई पोता बनेगा, कोई तर पोता बनेगा, तर 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 पोता बनेंगे। जितना दूर है मतलब समझने में देर कर रहे हैं तो उतना परसेंटेज उनका कम हो जाएगा, क्योंकि वो जितना डायल्यूटेड ज्ञान प्राप्त करेंगे, मिक्स्ड ज्ञान प्राप्त करेंगे, उतना ही तो उनका जीवन में प्रभाव परिवर्तन आएगा। जितना ज्यादा करेंगे, जितना प्योर लेंगे, उतना पवित्र। अब्रह्म, हाँ जी, जैसे आप कहते हैं कि विनाश का समय बिल्कुल नजदीक है, हाँ जी, हम लोग तो अभी ज्ञान ले रहे हैं तो हमारी प्रथम प्रोब का मतलब तो लॉस के साथ ही हुई। देखो अब मैं जनसंख्या नहीं बता सकता कि अब, क्योंकि मैक्सिमम अब दुनिया जो है बाबा के बच्चे जो है ऑनलाइन बहुत ज्यादा हो गए, जिनकी इंफॉर्मेशन
माउंट आबू तक नहीं पहुंच पा रही है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कि कौन कितना कहां ज्ञान ले रहे हैं। अब सारी इंफॉर्मेशन मेरी जो समझ में आ रहा है आगे आगे माउंट आबू तक नहीं पहुंच पाएगी। हो सकता है कि माउंट आबू अपने प्रोग्राम को अपने सिस्टम को इतना मतलब पावरफुल बनाए, इतना मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो है मीडिया में लाए, ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करे जो हर एक उसमें अपनी इंफॉर्मेशन दे सके, तो पता लग सकता है कि कितने ज्ञान में है। अब आप सोचिए कि सतयुग के सतयुग में 2 करोड़ तो आएंगे ना लास्ट तक, शुरू में 9 लाख होंगे थे नहीं? तो क्या हम 9 लाख में नहीं आ सकते पुरुषार्थ करें तो, और 16,000 में नहीं आ सकते पुरुषार्थ करें तो, 1 लाख में, 2 लाख में, 10 लाख में, 20 लाख में, इतने तो अभी ज्ञान सुनने वाले ज्ञान पर चलने वाले भाई बहन नहीं दिखाई देते। बाकी हो सकता है 20-30 लाख हो, 40 लाख हो, ठीक है ना? अभी कोई बहुत ज्यादा संख्या नहीं है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की, ठीक है ना? तो ये डिपेंड करता है हमारा पुरुषार्थ कि हम किस लेवल का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब 2 करोड़ तो 75% से ज्यादा नंबर लेने वाली आत्माएं होंगी, हमेशा आइसिंग की तरह आंख देखनी है, ठीक है ना? तो हम अपने टारगेट को अपने सामने रखें, तो अब हम चाहे 90 पे आए, 95 पे आए, 96 पे आए, जिस कहां पर आ पाते हैं, कहां तक का पुरुषार्थ कर पाते हैं, हम अपनी तरफ से रखें तो 100 का ना लक्ष्य हम 100 का रखें, पर तो उसके आसपास जैसे हम तीर चलाना चाहते हैं, हम ऊंचा निशाना रखेंगे तो हम उसके आसपास तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे ना। इसलिए अपने पुरुषार्थ में हम अपने आप को देखें कि मुझे अपने पुरुषार्थ को चेक करना है, मेरा पुरुषार्थ बेस्ट से बेस्ट बने। बाकी हमारा हमारे हाथ में है कि हम कितना अच्छा बने, क्योंकि अभी भी आप देखते हैं कि बहुत सारे सेंटरों पर ऐसे भाई बहन आ रहे हैं जो ज्ञान में चलते तो उनको हो गए हैं 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल, परंतु 20 साल भी हो गए, 15 साल भी हो गए, परंतु ज्ञान समझ में नहीं आया। सेंटर पर तो आ रहे हैं परंतु ज्ञान की समझ नहीं आई उनको, भगत के भगत हैं अभी तक। ऐसे बच्चे तो बहुत है भाई जी। हाँ। सही। तो मतलब कहने का ये है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम अपना समय सफल करने में कितना अपने आप को बिजी रख रहे हैं, अपने आप को भाग्य बनाने पर लगे हुए हैं, अपने आप को सुधारने पर लगे हुए हैं। हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करें, हम अपने आप में बहुत ऊंच पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को जब भी असंतुष्टता आए तो अपने से नीचे वालों को देख लो, जब आगे बढ़ने की इच्छा है तो अपने से आगे वालों को देख लो कि मैं आगे बढ़ूं। बुद्ध की लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि आप पहाड़ी पर चढ़ना चाहते हो नीचे मत देखना, नीचे देखें तो गिर जाएंगे, ऊपर की तरफ ही देखना। बस पहाड़ी पर चढ़ने वाला कभी भी नीचे नहीं देखता, क्योंकि नीचे देखेगा तो उसको लगेगा मैं इतना ऊपर आ गया, उसके शरीर कांप जाएगा। और बाबा हमेशा कहते हैं ना कि जब भी मूंझने लगो तो मेरे द्वारा दिए हुए प्राप्तियों को याद करो। हमारे पास जो भी उसकी प्राप्तियां है बस उसको याद करो। और जब दिल दुखी होने लगे तो हम नीचे वालों से काफी ऊंचे हैं, तो अपने अंदर उमंग उत्साह भर जाएगा। जी एक चीज के लिए कई बार मन और ज्यादा परेशान होता है, जैसे बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे पापों को धो दूंगा जो मेरे शरीर पर चलेगा, ठीक है, पर क्या नाम है, अभी तो हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं आई है, हम लोगों से भी अज्ञानतावश काफी पाप हो जाते हैं, पर कहते हैं जो ज्ञानी आत्मा है यानी बाबा का ज्ञान ले लिया तो उसका 1 का 100 गुना दंड मिलता है। तो जो वो 1 का अज्ञान में 1 का 1 मिलता था वो धोने तो चलो फिर भी आसान है, जो 100 गुना है क्योंकि जान मुझके तो करने का शक्ति भी है नहीं, तो वो तो बहुत मुश्किल है, वो कैसे बचा जाए उससे। बाबा जो कहता है ना 1 का 100 गुना देते हैं, तो 1 का 100 गुना हमें अच्छा करने का भी देता है, उसके ज्ञान का भी,
और एक का सौ गुना कैसे दंड मिलता है वो भी है, कि जैसे अगर हम कोई गलती हमसे होती है, एक आत्मा अगर कोई रूठ गई या किसी का दिल दुख गया, फिर वो आत्मा आप दूसरी आत्मा को बताई, तो ऐसे हमारा एक से मतलब बढ़ता है। तो ऐसे इसीलिए बाबा बोलता है कि एक का हम 100 गुना तुमको दंड देते हैं, कि फिर हम दोबारा गलती भी ना करें। अगर हमसे गलती हो भी जाती है, फिर वहां तुरंत फुल स्टॉप लगाओ और लगा के आगे बढ़ो, क्योंकि उसके ऊपर जितना देर हम संकल्प चलाएंगे ना, वो हमारा अकाउंट बनता है, या फिर हम पीछे हो जाते हैं अपने पुरुषार्थ में। तो जितना उसमें समय व्यर्थ बिताने के बजाय उस गलती से सीख लेके, अनुभव लेके, और कि हमको आगे क्या करना है अनुभव लेके आगे बढ़ जाओ, हिम्मत रखो, बिल्कुल होगा। तो हमें अलर्ट रहना है कि 100 गुना मिले ही नहीं। जब हमें समझ में आ गया कि हम क्यों ऐसा कर्म करें जिसके कारण, हमारे कारण अनेक आत्माओं को दुख मिले, हम क्यों ऐसा कर्म करें, क्यों नहीं हम अपने कर्म में ऐसा परिवर्तन लाएं जो हमारे जीवन में शांति आए, सुख आए, हमारा एक एक कर्म अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाने में सहयोगी बने। हमारे किसी भी कर्म के कारण किसी भी कर्म के कारण किसी को भी बाबा से रूठने का मौका ही ना मिले, हम अपने कर्मों पर अटेंशन दे। जैसे घर में बच्चों को डांट रहे हैं कोई गलती में, बार बार उनको समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहे, फिर गुस्सा शक्ति नहीं है ना अभी, तो वो गुस्सा आकर उनको थोड़ा सा उल्टा में बोल दिया, वो भी तो फिर खाते नहीं आई गया ना आप लोगों के, तो देखो वो ड्रामा में है वो की रहेगा, मतलब आप गुस्सा कर रहे हैं तो पहले भी किया था 5 साल आगे भी करो, वो तो करना पड़ेगा, वो तो आपका हिसाब किताब है। थोड़ा समझ में आ जाए तो थोड़ा कम हो जाएगा धीरे धीरे, बस अटेंशन दो तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर तुम अपने घर जाएंगी, आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो ये अपवित्र दुनिया है, एक भी पवित्र मनुष्य नहीं, एक भी पवित्र मनुष्य नहीं, सारे के सारे पतित हैं। पवित्र दुनिया में को सतयुग, अपवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य, रावण राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापन होती है, ये बना बनाया खेल है, ये कोई पहली बार थोड़ा हो रहा है, अनगिनत बार ये हो चुका है, बना बनाया खेल है ये बेहद का बाप समझाते हैं इनकी, इनको ही सत्य कहा जाता है। सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, फिर तुम सतयुग में आते हो, द्वापर से फिर रावण राज्य में आते हो। द्वापर से कहां आते हो, रावण राज्य में, राज्य द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। रावण अर्थात असुर, असुर ठहरा, रावण का मतलब है असुर। असुर कभी सच नहीं बोल सकते, असुर कभी सच नहीं बोल सकते, इसलिए इसको कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया और झूठा ये संसार। तो शरीर भी झूठा है, आत्मा में संस्कार भरते हैं ना, चार धातुएं हैं ना, सोना चांदी तांबा। जब सोना सतयुग होता है तो प्योर सोना होता है, तो आत्मा पवित्र होती है, तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब जब त्रेता आता है तो चांदी मिल जाती है, सिल्वर आ जाता है, तो जितना चांदी मिलती है तो उतना ही प्योर सोने में अपवित्रता आ जाती है। द्वापर आता है तो सोने में क्या मिल जाता है, तांबा मिल जाता है, और फिर कलयुग में क्या हो जाता है, लोहा। लोहा मिलता क्या है कि लोहा इतना मिला देते हैं, आज आप उनको कहो कि आप हमें 5 कैरेट का सोना बना के दे दो तो 5 कैरेट का सोना बना देंगे। सुनारे के पास जाओ, उसको कहो कि हमारे पास बजट कम है तो हमें सोने के गहने चाहिए, तो कहता है बोलो कितना बजट है आपका, हम उतने बना देंगे, क्या क्या बनवाना है, 24 कैरेट में नहीं तो 15 कैरेट में बना देंगे, 14 में बना देंगे, 13 में बना देंगे, उतने गहने बना देंगे, बाकी उसमें तांबा मिक्स कर देंगे या कुछ और मेटल मिक्स कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कितना भी आप चाहो सोने का, और आज तो ये हालत आ गई है
क्या आपको लोहे के ऊपर सोना नहीं सोने का पानी चढ़ा के देंगे, दूर से ऐसे लगेगा जैसे कि वो या सिल्वर का एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का बना करके उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा कर दे देंगे, कहेंगे सोने से कम नहीं और खो जाए तो कम नहीं। बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी कि 5 रुपए की चैन बेच रहा था, बोला जी देखिए ये रंग कभी फेर नहीं होगा, पसीना आ जाए कुछ आ जाए कैसा भी हो, और पक्की इतनी है टूट नहीं सकती। बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योग बल से। तुम जब सतयुग में हो तो सच्चा सोना ही हो, फिर चांदी पड़ती है तो चांदी चंद्रवंशी कहा जाता है, फिर तांबे की लोहे की खाद पड़ती है। द्वापर कलयुग में फिर या योग से तुम्हारे में जो चांदी तांबा लोहे की खाद पड़ी है वह निकल जाती है। पहले तो तुम सब आत्माएं शांति धाम में हो, फिर पहले आते हो सतयुग में, तो उसको कहा जाता है गोल्डन एज, गोल्डन एज्ड, उसको क्या कहा जाता है गोल्डन एज्ड सतयुगी, और तुम सच्चा सच्चा सोना हो। योग बल से सारी खाद निकलकर बाकी सच्चा सोना बचता है। शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहेंगे, शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहा जाता। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज यहां कहा जाता है। इस धरती पर चारों एज होती हैं, और सतयुग को क्या कहा जाता है, सॉरी सतयुग नहीं, परम धाम को परम अवस्था, शांत अवस्था एकदम। वहां पर ये एज का कोई मतलब नहीं, वहां चाहे सतयुगी आत्मा है, गोल्डन एज वाली आत्मा है, चाहे सिल्वर एज वाली आत्मा है, चाहे कलयुग में आने वाली आत्मा है, सारी आत्माएं वहां परम अवस्था में रहती हैं, वहां किसी की भी एज का पता नहीं लग सकता, वहां किसी की कैटेगरीज नहीं बना सकते कि ये आत्माएं उस कोने में रखी हैं, वो ये वाली आत्मा है, इस कोने में वो वाली आत्मा है, इस कोने में वो वाली आत्मा है। हमने चार्ट बनाया, उसके अंदर भी हमने ये दिखाया कि जो शिव बाबा के नजदीक हैं वो जो है ना कौन सी आत्मा है, सत्व प्रधान आत्माएं, जो बाद की हैं वो सत्व, उसके बाद वाली रजो, और सबसे लास्ट वाली आत्मा है, क्या है तमो। बाबा भी मुरली में यही हमें समझाते हैं कि जो शिव बाबा के नजदीक बनते हैं वो स्वयं परम धाम में भी शिव बाबा के नजदीक होते हैं। हमें वो बात बहुत अच्छी लगी थी, परंतु जब से ये समझ में आया कि जो परम धाम में जाएंगे तो वो हम शिव बाबा के आगे आगे जाकर के लाइन में लग जाएंगे, और उसके बाद यही सोचते थे भाई जी, उसके बाद जो टारगेट रखे थे कि ऊपर वाले में जाना, ऊपर लाइन में जाना है, और उसके बाद जो दूसरे होंगे वो थोड़ा और दूर होंगे, जो जितना कम पवित्र बनेंगे वो उतना दूर होंगे। परंतु अब बाबा ने कहा तुम परम अवस्था में चले जाते हो, वह संकल्प ही नहीं होता कि हम बाबा के पास हैं या कहीं और हैं, कहाँ हैं कहाँ नहीं है। ये और पूछना था कि मतलब जैसे आत्मा मतलब जैसे संकल्प नहीं आती तब तक वो अपने ये में नहीं आती, फिर आपने बाबा ने एक जगह कहा कि जैसे मतलब सूक्ष्म शरीर भी उन्हीं को दिखता है जिनके साथ कार्मिक अकाउंट है, तो जब आत्माएं मतलब एनर्जी की तरह ऐसे जो परम अवस्था में तो कहीं भी वो मतलब हमारी इर्द गिर्द कहीं भी होगी तो पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। परमात्मा के मान लो कि हम साथ में ही लगे हुए हैं, परंतु हमें महसूस नहीं होगा कि परमात्मा के पास है। हम सारी आत्माएं जीरो प्लेस में इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो भी हमें नहीं पता लगेगा कि हम परमात्मा के पास हैं। वहां कोई एहसास है ही नहीं, संकल्प तक नहीं है, फिर हम चाहे वहां कहीं भी हों, वहां इसलिए बाबा ने कितना क्लियर लाइन कही है कि वहां कोई ये सत्व मतलब गोल्डन सिल्वर कॉपर एज वहां नहीं होती कि ये आत्माएं गोल्डन एज की हैं, ये कॉपर एज की हैं, ये सिल्वर एज की हैं, ये आयरन एज की हैं, ये वहां कोई भी भेदभाव नहीं होता, वह सब आत्माएं इसी समय आके बाबा बता देते हैं सारी कहानी और फिर खत्म, फिर बंद करके उसको जला के चले जाते हैं। ये नहीं कि कुछ किताबें
एक कॉपी एक एक कॉपी रख देवे ताकि वहां के लोग पढ़ करके कुछ कर सके, नहीं लॉ ही नहीं। नियम ही नहीं है कि हम सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, किसी भी युग में हम इन बातों को वहां जान सके। अब ये एक एक बात ऐसी गुई है ना कि मुरली के बिना यदि किसी को बताएं तो वो मानेगा भी नहीं। शांति धाम में तो शांति है, आत्मा जब शरीर लेती है तब गोल्डन एज कहा जाता है। जब आत्मा शरीर लेती है तब गोल्डन एज कहा जाता है। सभी आत्माओं को या जो सत्युग में आएंगी उनको? सत्युग की उनको गोल्डन एज कहा जाएगा। जो त्रेता में आएंगी उनको सिल्वर एज कहा जाएगा। जो आत्मा पहली बार परम धाम से, चाहे सत्युग में आए, चाहे त्रेता में आए, चाहे द्वापर में आए, चाहे कलयुग में आए, सभी गोल्डन एज होंगे। वो अपनी प्योरिटी के आधार पर, जितना वो प्योर हुए उसी आधार पर आएंगे। आएगी तो अपनी प्योरिटी के आधार पर, परंतु हर एक की जो पहली पहली अवस्था है जब वो इस संसार में आएगी उस आत्मा के लिए उसका वो गोल्डन पीरियड होगा ना। सभी आत्माएं चार अवस्था करती हैं। हाँ जी, सभी आत्माओं की चार अवस्था होती है। हाँ, आत्मा जब भी परम धाम से आएगी तब यहाँ से चार अवस्थाओं में से उसको गुजरना है। तो जब भी वो आत्मा आएगी, तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, बहुत क्लियर लाइन देखो ना, बाबा लिखता है आत्मा जब शरीर लेती है तब गोल्डन एज्ड कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? और फिर सृष्टि ही गोल्डन एज बन जाती है। सत्व प्रधान पांच तत्वों से शरीर बनता है, आत्मा सत्व प्रधान है तो शरीर भी सत्व प्रधान है। फिर पिछाड़ी में आकर आयरन एज्ड शरीर मिलता है क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती जाती है। सारा बेस के कौन है? आत्मा। आत्मा में जैसे जैसे खोट मिलती जाएगी वैसे वैसे आत्मा गोल्डन एज से सिल्वर एज और इस सृष्टि को कहा जाता है। तो अब बच्चों को क्या करना है? पहले पहले हम सबको शांति धाम में जाना है, इसलिए बाप को याद करना है और तब ही तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। इसमें टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम बाप यहां रहते हैं। क्या समझ में आया? हर एक आत्मा को कितना समय वो बाप के संपर्क में आए, क्योंकि बाबा तो 100 साल के लिए इस धरती पर रहते हैं, परंतु इस 100 साल में से जो आत्मा जितना समय परमपिता परमात्मा से मिलती है, परमपिता परमात्मा से पढ़ती है, जितना वो परिवर्तन कर सकती है, यही टाइम है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। वो गोल्डन एज में पार्ट लेते ही नहीं। तो आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है ये गोल्डन, और जब तक परमात्मा यहाँ रहते हैं तब तक वो अपने आप को सुधारते रहते हैं। कौन कितना सुधारे सुधार ले, परंतु उसको कोई गोल्डन शरीर नहीं मिलेगा। गोल्डन शरीर कब मिलेगा? गोल्डन शरीर खाता बनाएगी सतयुग में, जब घर जाके वापस आएगी। बाप यहाँ नहीं होगा। बाप जब यहाँ से चला जाएगा आत्मा को, हाँ जी, नहीं आपकी आवाज क्लियर करो भाई जी, स्पष्ट नहीं हुआ। कौन सा शरीर है? डायमंड ही तो होगा भाई जी। कौन सा? वैकुंठ में जन्म लेने वाले का कौन सा शरीर है? हाँ वो तो डायमंड रहेगा, डायमंड ही होगा। क्यों? गोल्डन तो वो तब आएंगे जब वो वापस यहाँ आएंगे। जब तक परम धाम जाकर वापस नहीं आते, जब तक बाबा इस दुनिया से चला नहीं जाता, तब तक गोल्डन कोई जन्म नहीं ले सकता। तब तक तो डायमंड है हम,
हम परमात्मा के बच्चे हैं तो हम डायमंड हैं, ईश्वरीय बच्चे, डायमंड बच्चे। क्यों डायमंड कहा हमें? इसको डायमंड क्यों कहा? इसको कुछ और नहीं है। हाँ जी, ईश्वरीय औलाद है, ईश्वर के लिए। और कारण बताओ, और अच्छी तरह बाबा के श्रीमत में अपने कमियों को सुधार रहे हैं, अपने को प्योर बना रहे हैं। डायमंड तभी है जब हम अपने दागों को मिटा रहे हैं, दाग मिटाने। डायमंड को दाग मिटाने पड़ते हैं। डायमंड में बहुत सारे गड्ढे होते हैं, फ्लो होता है, दाग होता है, और वो दाग मिटा के जितना बेदाग बनता है उतनी वैल्यू होती है। जितने कम दाग हो, दाग ही ना हो तो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। बेदाग हीरा, बेदाग हीरा बनना है। हाँ जी, कृष्ण में तो कोई दाग नहीं है। अभी कृष्ण में तो कोई दाग नहीं है। हाँ तो कृष्ण में दाग नहीं है तो डायमंड है ना, बेदाग डायमंड है ना वो। परंतु जब तक वो वापस परमधाम नहीं जाता तब तक गोल्डन एज में जन्म नहीं लेता, तब तक वो गोल्डन सतयुगी नहीं बनता। इसलिए तो बाबा ने कहा कि जिन्होंने अब जन्म ले लिया है वो भी ब्राह्मण कहलाएंगे, उन्हें देवता नहीं कहेंगे। ठीक है, जितना टाइम बाप यहां रहते हैं वो गोल्डन एज में पार्ट लेते ही नहीं, गोल्डन एज में पार्ट लेते ही नहीं। तो आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है ये गोल्डन एज्ड जीव आत्मा है, जब शरीर मिलता है। परम धाम जाने के बाद जब जो भी आत्मा परम धाम से यहां आती है वो अपने अपने गोल्डन एज्ड में आती है, वो अपना उसका गोल्डन एज टाइम होता है। ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एज्ड आत्मा, आत्मा को कभी गोल्डन एज्ड आत्मा नहीं कहा जाएगा कि परम धाम के अंदर ये ग्रुप गोल्डन एज्ड है, ये ग्रुप सिल्वर एज्ड है, ये ग्रुप कॉपर एज्ड है और ये आयरन एज्ड है। ऐसा कोई नाम वहां परम धाम में नहीं होगा। गोल्डन एज्ड जीव आत्मा के चित्र में बताया है, गोल्डन आत्मा, कॉपर आत्मा, सिल्वर आत्मा। भाई जी, सीढ़ी के चित्र के अंदर बताया है आत्माएं जो सतयुग में आती हैं, ठीक है, वो गोल्डन एज है, ये स्वर्णिम दुनिया है। पर तो उसके बाद जो 75 से कम नंबर वाली आत्माएं हैं वो यहाँ आई हैं, तब उनके लिए सिल्वर एज है। परम धाम में ऐसा नहीं है। अभी जो हमने पहले थोड़ी देर पहले आप सुन ही रहे थे, मेरे ख्याल से नहीं सुन रहे थे तो ध्यान नहीं गया होगा कि परम धाम में हम समझते थे कि हम जो बिल्कुल बाबा के पास पास हैं तो वो हम गोल्डन एज वाली आत्माएं हैं, उसके बाद सिल्वर एज वाली आत्माएं, उसके बाद कॉपर एज वाली आत्माएं, और दूर 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 जो हैं वो सारी क्या हैं, आयरन एज वाली आत्माएं। परम धाम में ऐसा नहीं होता। परम धाम में आत्मा चाहे कहीं भी है उसको संकल्प ही नहीं है मैं कहां, उसके लिए ना कोई गोल्डन एज है ना सिल्वर एज। सोया हुआ व्यक्ति तो सारे बराबर है। बाबा ने एक ही लाइन में सारी बात खत्म कर दी। आत्मा सो गई तो उसका एक कोई मतलब नहीं। तो परम अवस्था में किसी भी आत्मा को कोई संकल्प नहीं, कोई बोल नहीं, कोई कर्म नहीं, इसलिए वहां कोई भी ये पार्टीशन नहीं कर सकते कि ये कौन सी आत्मा है कौन सी आत्मा है। ये सारा पार्टीशन तभी होता है जब उनका अलार्म बजता है और जब वो इस पृथ्वी पर पार्ट लेने के लिए आती है। चाहे वो आत्मा सतयुग में आए, चाहे त्रेता में आए, चाहे द्वापर में आए, तो चाहे कलयुग में आए, परंतु जब भी वो आत्मा शरीर लेगी वो उसकी अपने प्रकार से गोल्डन एज होगी। उसके बाद उसको पतित बनना है तो सिल्वर, और पतित बनेगी तो कॉपर, और पतित बनेगी तो आयरन हो जाएगी। चाहे वो आत्मा सतयुग में आए, चाहे त्रेता में आए, चाहे द्वापर में आए, तो चाहे कलयुग में आए, हर आत्मा जब भी शरीर लेगी जीव आत्मा फिर सिल्वर एज जीव आत्मा होती है। तो यहां तुम बैठे हो, तुमको शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता है। तो क्या करना चाहिए? यहां बाबा के पास तुम बैठे हो, शांति भी मिल रही है और तुमको सुख भी
मिल रहा है। स्नेहा सिंह को पूछना है कुछ? जी भाई जी, पूछना था ये कि मतलब बाबा ने तो बता दिया कि भाई संकल्प ही नहीं वहाँ है, तो उनको तो प्योरिटी के बारे में मतलब सब एक एक जैसी आत्माएं होंगी ना भाई। एक सवाल आ रहा था कि ये अगर आत्मा जैसे शरीर छोड़ने लगती है तो बाबा बोलते हैं ना कि धर्मराज के रूप में मैं आऊंगा, तो क्या ऐसा है क्या कि जब आत्मा शरीर छोड़ने लगती है तो वो अपने पास्ट में जाती है, वो उसको लगता है कि हमने पीछे में लोगों को कर्म दिया जो किया, क्या वैसा कुछ आत्मा को संकल्प में उस समय आती है शरीर छोड़ते हुए, या फिर वो अपने शरीर के कार्मिक जो दर्द है वो उसको झेलते हुए, जैसे बाबा ने कहा ना कि कर्म भोग को पर कर्म योग की जीत हुई, ब्रह्मा बाबा ने कहा। देखिए ये तो हर आत्मा का आत्मा का अपना कार्मिक अकाउंट है ना, हर आत्मा को अपना, हम रोजाना डेथ को देख रहे हैं, हर एक की अलग अलग प्रकार से डेथ होती है, सबकी एक प्रकार से नहीं होती है, कि किसी की भी डेथ एक जैसी नहीं होती, हर डेथ को हम देखते हैं तो डेथ को कोई बहुत ज्यादा तड़प रहा है, बहुत कम तड़प रहा है, कोई बिना तड़पे चला गया, यानी किसी को पता ही नहीं चला कि कब चला गया कहाँ चला गया, तो हर एक की जो ना अपनी अपनी अवस्था है, परंतु चाहे कुछ भी है हर एक आत्मा शरीर को छोड़ना शरीर को लेना उसी प्रकार से जैसे हम ड्रेस को चेंज करते हैं, ऐसे ही आत्मा भी अपने ड्रेस को, कोई रो रो करके कोई तंग खुशी होकर के अपने पार्ट को चेंज तो करती है, पार्ट चेंज करना और कुछ भी नहीं है। धर्मराज कोई भी ऊपर से नहीं आते, शिव बाबा कभी धर्मराज नहीं बनते, बाबा ने हमें बड़ा क्लियर किया कि तुम आत्मा खुद ही अपने धर्मराज हो, क्योंकि मैं तुम सबको ज्ञान दे देता हूँ। तो ये महसूसता आत्मा को होती है कि हम खुद, जो बाबा ने कहा ना खुद ही धर्मराज बनते हैं, वो अभी अब धर्मराज क्या जी, धर्मराज एक सेकंड में तो नहीं बनेंगे ना, इस समय क्या आप धर्मराज नहीं हो, इस समय भी तो अभी अभी जो आप अभी आप सब जो बारी बारी अपना कुछ ना कुछ बताते हो तो आपको लग रहा होता है ना कि हम ये काम गलत कर रहे हैं, ये काम ठीक किया है, धर्मराज का रूप ही है। हाँ, ये बाबा ने, बाबा की श्रीमत ने हम सबको धर्मराज बना रखा है, उस एक सेकंड में तो उस एक सेकंड में हम थोड़ा पार्ट प्ले करेंगे, उस एक सेकंड में तो आखिरी एक्शन होगा, बस एक्शन करना है और एक्शन कंप्लीट करते ही अकाउंट बराबर करते ही परम अवस्था में, वहां हम बही खाता खोल करके नहीं बैठेंगे, बही खाते तो अभी हमने खोल रखा है, हमको बाबा ने अभी धर्मराज बना रखा है, अभी हमारे से कोई गलती हो जाती है तो अभी बैठ करके अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को डांटते हैं, अपने आप को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। अब कोई कितना करता है कितना नहीं करता है वो उतना धर्मराज है अपना, हर एक आत्मा स्वयं अपना धर्मराज है, जितना ज्ञान उसको कंसेप्ट क्लियर होता जाता है, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति बढ़ती जाती है, उतना ही काम का अच्छा होता जाता है। जितना एक्यूरेट होकर के धर्मराज बन करके अपने एक एक फैसले को करते जाते हैं, आगे से हम अटेंशन देते हैं कि हाँ ठीक है अब तो गलती हो गई, आइंदा फिर कभी गलती नहीं होने देंगे। बाकी धर्मराज बाबा नहीं बनता, बाबा ने हमें ही धर्मराज बना दिया, हमें ही पेपर चेक करना सिखा दिया, अपना धर्मराज हमें खुद बना दिया, बोले तुम अपने आप को जानो, तुम खुद अपने धर्मराज हो। तो सुख भी प्राप्त होता है तो क्या करना चाहिए, दुख धाम का सन्यास, इसको कहा जाता है बेहद का सन्यास, उन सन्यासियों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनको ये पता नहीं है कि सारी सृष्टि ही जंगल है, ये कांटों का जंगल है, ये कांटों की दुनिया है, वो है फूलों का जंगल, फूलों की दुनिया, ये भल सन्यास करते हैं, वे भल सन्यास करते हैं, परंतु फिर भी कांटों की दुनिया में जंगल में शहर से दूर जाकर रहते हैं, उन्हों का है निवृत्ति मार्ग, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तुम पवित्र जोड़ी थी अभी अपवित्र बने हो, उनको ग्रस्त आश्रम भी कहते हैं, सन्यासी तो आते ही बाद में हैं, इस्लाम बौद्ध भी बाद में आते हैं, सन्यासी भी बाद में आते हैं, इस्लामी भी बौद्धी भी क्रिश्चियंस भी, ये सब बाद में आते हैं,
क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं, बुद्ध जो है ना 200 साल पहले आ जाता है, 250 साल। तो ये झाड़ भी याद करना है, चक्र भी याद करना है, बाप कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष की नॉलेज देते हैं, क्योंकि खुद बीज रूप है, सत चित आनंद स्वरूप है, चैतन्य है, इसलिए कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष का सारा राज समझाते हैं। तुम आत्मा हो, परंतु तुमको ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा जाता। ये महिमा एक ही बाप की है जो तुमको ऐसा बनाते हैं। बाप की ये महिमा सदैव के लिए है, सदैव वे पवित्र है और निराकार है, सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने, सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। तुम जानते हो बाप सदैव वहां ही रहते हैं, भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हैं। सतयुग में तो याद करने की दरकार नहीं रहती, सतयुग में तो याद करने की दरकार नहीं रहती है। रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है, वही आकर सुख शांति देते हैं, तो फिर जरूर अशांति में उनकी याद आती है। बाप समझाते हैं हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूं, आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख, आधा कल्प के बाद ही रावण राज्य शुरू होता है। इसमें पहला नंबर मूल है देह अभिमान, इसके बाद ही फिर और विकार आते हैं। अब बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो, आत्मा की भी पहचान चाहिए। मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच चमकती है, अभी तुम समझते हो वो है अकाल मूरत, उस अकाल मूरत आत्मा का तख्त ये शरीर है। आत्मा बैठती भी भ्रिकुटी में है, अकाल मूरत का ये तख्त है। सब चैतन्य अकाल तख्त हैं, वे अकाल तख्त नहीं जो अमृतसर में लकड़ी का बना दिया है। बाप ने समझाया है जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका अपना अपना अकाल तख्त है, सबका अपना अपना ये शरीर जो है, सबका अपना अपना अकाल तख्त है। आत्मा आकर यहाँ विराजमान होती है, सतयुग हो या कलयुग हो, आत्मा का तख्त है ही ये मनुष्य शरीर, चाहे सतयुग हो तो चाहे कलयुग हो, पूरा समय आत्मा इस तख्त पर बैठती है। तो कितने अकाल तख्त हो गए, जितनी आत्माएं, सब का अपना अपना अकाल तख्त, और जितने उसके जन्म जिसका कभी काल नहीं आता। आत्मा जो है उसका कभी काल नहीं आता, उस अकाल आत्मा का तख्त है ये शरीर, क्या करें। और जितनी आत्माएं हैं उतने अकाल तख्त हैं, दूसरा जितने शरीर हैं, जितने जन्म लेते हैं उतने उसको अकाल तख्त मिलते हैं। एक आत्मा को किसके 84 जन्म है उसको 84 अकाल तख्त मिलेंगे, 80 हैं, 70 हैं, 10 हैं, 5 हैं, हर एक आत्मा को और हर एक अकाल तख्त अलग अलग मिलता है। ये आत्मा की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, परंतु यहाँ ये पॉइंट का जिक्र नहीं कर रहे, आत्मा का कभी काल नहीं आता। कह सकते हो आप उसको कि आत्मा का कभी काल नहीं आता, हमेशा अकाल है, ठीक है ना। इसकी बाकी दुनिया वाले बेचारे कह देते हैं गलती से अकाल मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु तो कभी होती ही नहीं है। आत्माओं के तख्त हैं, आत्मा एक तख्त छोड़कर दूसरा लेती है, पहले तख्त छोटा होता है फिर धीरे धीरे तख्त बड़ा हो जाता है। ये शरीर रूपी तख्त छोटा बड़ा होता है, और वो लकड़ी का तख्त जो अमृतसर में रखा हुआ है सिख लोग अकाल तख्त कहते हैं, वो तो छोटा बड़ा नहीं होता, वो तो बस रखा हुआ है,
वहां कोई जो भी बैठते हैं सारे मरने वाले बैठते हैं, तो उसे अकाल तख्त पता नहीं क्यों कहा जाता है। ये किसी को भी पता नहीं है कि सब मनुष्य मात्र का अकाल तख्त ये भृकुटि है। आत्मा अकाल है, कब विनाश नहीं होती है। आत्मा को तख्त भिन्न भिन्न मिलते हैं। सत्युग में तुमको बड़ा तख्त फर्स्ट क्लास तख्त मिलता है जो 150 साल चलता है, फिर त्रेता में गोल्डन एज उसको बोलते हैं, फिर त्रेता में 100 साल चलने वाला तख्त मिलता है, फिर द्वापर में कितने साल वाला होता है, द्वापर में कितने साल वाला तख्त मिलता है, 60 साल वाला और कलयुग में 30 साल एवरेज 60 साल, एवरेज 30 साल, एवरेज 100 साल, एवरेज 150 साल, सबके साथ हम एक एवरेज शब्द भी लगा देंगे भाई जी। तख्त शरीर को कहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तख्त शरीर को कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब रखा, गुरु ग्रंथ साहब तो एक किताब है ना, उस किताब की भी अपनी जीवन है ना, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को गुरु कह दिया, परंतु ग्रंथ साहब तो गुरु तो नहीं है ना। जैसे हमने श्रीमत को बाबा की श्रीमत कह दिया, बाबा हमारे साथ नहीं होता, बाबा की श्रीमत हमारे साथ होती है। इसी प्रकार से गुरु ग्रंथ साहब की जो अच्छी मत है, अच्छी बातें हैं, वो हमारे साथ है। वो बातें जो है ना, जब तक भी वो किताब रहेगी, चाहे वो किताब सर जाए दूसरी किताब में रहेगी, मतलब वो ज्ञान तो रहेगा जितना समय, 400 साल, 500 साल, 600 साल, उससे पहले तो नहीं था ना, उससे पहले था तो दूसरे रूप में था, उसको अपने अपने तरीके से लिखा गया था। अब गुरु नानक जी ने अपने हिसाब से लिख दिया, रविदास ने अपने तरफ से लिख दिया, तो हर संत ने अपने तरीके से उसको भजन बना दिया। अब जब भजन बनता है तो कुछ ना कुछ अच्छा जुड़ जाता है, तो कुछ ना कुछ उसके साथ गलत भी जुड़ जाता है, फिर आगे मामला गड़बड़ होता जाता है। क्योंकि जितनी आत्मा पवित्र है उतनी तो श्रेष्ठ वो लिख पाएगी ना, वही उतना स्पष्ट समझा पाएगी। उनको कहेंगे गोल्डन एज तख्त, सतयुग में जो मिलेगा उसको कहा जाएगा गोल्डन एज तख्त। फिर उस आत्मा को सतयुग में गोल्डन एज तख्त मिला, फिर उस आत्मा को सिल्वर एज तख्त मिलता है, फिर कॉपर एज तख्त मिलता है, फिर आयरन एज तख्त मिलता है, और उसके बाद फिर गोल्डन एज मिलता है। गोल्डन एज तख्त चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े। इसके लिए बाप कहते हैं माम एकम याद करो। बाबा को याद करेंगे तो हमें कोई तख्त मिलेगा? बाबा का तख्त है कोई? बाबा का दिल किसको मिलेगा? बाबा की श्रीमत पर। उस तख्त का नाम क्या होगा? डायमंड तख्त। डायमंड उसका नाम है डायमंड। डायमंड तब होता है जब हम बाबा की श्रीमत पर अपने दागों को खत्म कर रहे हैं, तो हम बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं, हम डायमंड तख्त पर बैठे हैं। और जैसे ही हमने श्रीमत को खत्म करना बंद कर दिया तो हम वापस कहां चले जाते हैं? आयरन तख्त पर। जितनी देर डायमंड तख्त पर बैठकर हम अपने दागों को मिटाते हैं डायमंड तख्त, और जब हमने दागों मिटाना बंद कर दिया, दुनिया वालों के साथ चले गए तो कलयुग में चले गए, तो फिर आयरन तख्त में चले जाते हैं। डायमंड तख्त सबको मिलता है, जितना टाइम उस तख्त पर बैठना चाहो बैठकर अपने दाग मिटाओ। आप किसको लालच आ जाए तो वो 24 घंटे भी डायमंड तख्त पर बैठ सकता है, बाबा नहीं कहेगा कि तुम उतर जाओ। बाबा तो कहते निरंतर बैठो। हाँ,
अब जो निरंतर बैठेगा वो अपने सारे दाग मिटा लेगा। अब थोड़ी देर बैठेगा, थोड़े से दाग मिटाएगा, फिर आ जाएगा दुनिया में, फिर ढेर सारे और दाग चिपका लेगा, तब तक फिर जाएगा कुछ धोएगा, फिर आएगा, फिर धोएगा, फिर जाएगा। क्या कर 24 घंटे कैसे बैठ जाए बाबा के दिल तख्त पर? रोटी खाने के लिए नीचे आना पड़ता है, कपड़े धोने के लिए नीचे आना पड़ता है, काम करने के लिए नीचे आना पड़ता है, रोटी भी कहता है मेरे तख्त पर बैठ कर खाओ। हाँ, मतलब मेरे तख्त पे बैठ कर क्यों नहीं खाते हो? वो भी तैयार है, सैर करो, मेरे तख्त पर बैठ कर सैर करो। ऐसा बाप मिला है जो हर समय गोद में उठाए रहता है। और बैठने वाला थक जाता है, कहता है नहीं मैं जरा थोड़ी देर दूसरी गोद में घूम के आऊं। क्या कर सकते हैं, देखो। फिर तुमको ऐसा देवी तख्त मिलेगा, फिर मिलेगा ऐसा कभी नहीं मिलेगा। अभी ब्राह्मण कुल का तख्त है, पुरुषोत्तम संगम युग का तख्त है, फिर मुझ आत्मा को ये देवताई तख्त मिलेगा। पहले डायमंड बनेंगे तब जाकर के ये देवताई तख्त मिलेगा। ये बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। देह अभिमान में आने के बाद एक दो को दुख देते रहते हैं, इसलिए इनको दुख धाम कहा जाता है। अब बाप कहते हैं, बाप समझाते हैं, शांति धाम को याद करो तो तुम्हारा असली निवास स्थान है। सुख धाम को याद करो, इनको भूलते जाओ। इनसे वैराग्य ऐसे भी नहीं सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ना है। बाप समझाते हैं, वे एक तरफ अच्छा दूसरे तरफ बुरा है, तुम्हारा तो अच्छा ही है। उनको हठ योग अच्छा भी और बुरा भी, क्योंकि देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो भारत को थमाने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए, तो उसमें भी मदद करते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप को भी आना यहाँ होता है। तो जहां पर बेहद का बाप आते हैं वे सब बड़े बड़ा तीर्थ हो गया ना। सर्व की सदगति बाप ही आकर करते हैं, इसलिए भारत ही ऊंचते ऊंच देश है। मूल बात बाप समझाते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु बाप कोई संस्कृत तो नहीं बतलाते, बाप कोई संस्कृत तो नहीं बतलाते हैं। बाप मन मना भव का अर्थ बताते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। अपने को क्या निश्चय करो? आत्मा निश्चय करो। आत्मा अविनाशी है, वे कभी छोटी बड़ी नहीं होती, अनादि अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं उनका बहुत थोड़ा पार्ट है, बाकी टाइम शांति धाम में रहते हैं, स्वर्ग में तो आ ना सके। बाकी टाइम कहाँ रहेंगे? शांति धाम में रहेंगे, स्वर्ग में तो आ ना सके। पिछाड़ी को आने वाले वहां ही थोड़ा सुख, वहां ही थोड़ा दुख पाते हैं, वहां पर ही थोड़ा सुख भी पा लेते हैं और थोड़ा दुख भी पाते हैं। जैसे दिवाली पर मच्छर कितने ढेर निकलते हैं, सुबह को उठकर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े होंगे, सारे मच्छर क्या होंगे? मरे पड़े होंगे। तो मनुष्यों का भी ऐसे है, पिछाड़ी में आने वाले की क्या वैल्यू रहेगी? जो बाद में आएंगे, जो लेट आएंगे, कलयुग के लास्ट में ही आएंगे, उनकी वैल्यू क्या रहेगी? जैसे जानवर मिसल ठहरे, तो बाप समझाते हैं ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा कैसे होता है? सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य, कलयुग में कितनी वृद्धि हो, झाड़ बड़ा हो जाता है। मुख्य बात बाप ने इशारा दिया है, गृहस्थ व्यवहार में रहते माम एकम याद करो।
मुझ एक को याद करो। 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो। याद करते करते आखरीन पवित्र बन बाप के पास चले जाएंगे तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पाप अगर रह जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़े, सजाएं खाते हैं, फिर पद भी कम हो पड़ता है। फिर पद क्या हो जाएगा? कम हो पड़ता है। हिसाब किताब चुकतू तो सबको करना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, अभी तक भी जन्म लेते रहते हैं, अभी तक भी जन्म ले रहे हैं, 1 साल पहले तक जन्म लेते रहेंगे। इस समय देखेंगे भारतवासियों से क्रिश्चियन की संख्या ज्यादा है, वे फिर सेंसिबल भी हैं। भारतवासी तो 100% सेंसिबल थे, सो अब फिर नॉन सेंसिबल भारत के लोग क्या बन गए हैं? नॉन सेंसिबल बन गए हैं, क्योंकि यही 100% सुख पाते हैं, फिर 100% दुख भी यही पाते हैं। वो तो आते ही पीछे हैं। बाप ने समझाया है क्रिश्चियन डायनेस्टी का श्री कृष्ण डायनेस्टी से कनेक्शन है। क्रिश्चियन ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डायनेस्टी से राज्य मिलना है। इस समय क्रिश्चियन का जोर है, उन्होंने भारत से ही मदद मिलती है। अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है, जो कुछ यहाँ से लूट कर ले गए थे अब वो वापस भारत को दे रहे हैं। यहाँ से बहुत धन, बहुत हीरे जवाहरात आदि वहां ले गए हैं, बहुत धनवान बने हैं, तो अब फिर धन पहुंचाते रहते हैं, उनको मिलने का तो है नहीं। तो अब तुम बच्चों को तो कोई पहचानते नहीं है, अगर पहचानते तो आकर राय लेते। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, जो ईश्वर की राय पर चलते हो वही फिर ईश्वरीय संप्रदाय से देवी संप्रदाय बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संप्रदाय बनेंगे। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय। हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है। ये बाजोली का खेल है जिसको समझना बहुत सहज है, परंतु माया भुला देती है, फिर देवी गुणों से आसुरी गुणों में ले आती है। अपवित्र बनना आसुरी गुण है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एज्ड तख्त मिलेगा। इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। दे अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान है आज का, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। क्या बनो? सहज योगी भव। चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर चूज करो, चुनो तो सहज योगी बन जाएंगे। अब निरंतर योगी बनो, 8 घंटे के योगी नहीं,
निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। बाबा ने क्या चूज करो, क्या चूज करो? देखो माया हिला नहीं सकती, सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ, पाप में निश्चय रखो, समय पर चूज करो कि मुझे क्या करना है, तो सहज योगी बन जाएंगे। क्योंकि हमारे पास जब परखने की शक्ति होगी तभी हम निर्णय, चूज करना वाला निर्णय करना, चुनना है तो निर्णय करना है कि क्या करना है मुझे, तो जब परखने की शक्ति होगी, निर्णय करने की शक्ति होगी, तो फिर हम सही निर्णय या सही चुन सकेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। अब निरंतर योगी बनो, बस अब हर टाइम बाबा की श्रीमत पर चलने वाले बनो, योद्धे नहीं। स्लोगन है डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझा, अपनी सारी जिम्मेवारियों का बोझा क्या करो, बाप हवाले कर दो। किसको समझ में आया है हम अपने जिम्मेवारियों का बोझा बाप के हवाले कैसे करें? से बाबा की श्रीमत पर चलते हुए हर कार्य करना है, सारे रिश्ते को बाबा की श्रीमत पर चलते हुए निभाना है, कोई भी कर्म, दुनिया दुनिया वाली जो कोई भी कर्म हो उसमें बाबा की श्रीमत के अनुसार ही करना है, तभी हम डबल लाइट रह सकते हैं। क्योंकि हमने हमने जिम्मेवारी बाबा को भक्ति मार्ग में तो ऐसे समझते थे, बस हमने भगवान को दे दिया, अब भगवान की जिम्मेवारी है हमारे को सारे दुखों से मुक्त कर देना, परंतु हमारे सारे काम करेगा वो, परंतु बाबा कहते मेरी श्रीमत के अनुसार काम करना ही मेरे को जिम्मेवारी देना है। नष्टो मोहा वाली स्थिति बहुत जरूरी हो जाती है, जब तक नष्टो मोहा होते नहीं ना तब तक वो सारी जिम्मेवारी छूटती नहीं है। क्योंकि मोह होगा तो मैं करूं, बाबा बाबा की श्रीमत पर करना है तो बाबा की श्रीमत के अनुसार, जब हमने दे दिया बाबा को दे दिया कि हमने बाबा आपकी श्रीमत के अनुसार ही हर काम करेंगे, तब समझो कि हम बाबा को दिया है, नहीं तो दिया ही नहीं, नहीं तो दिया क्या, कुछ भी नहीं। भाई जी ड्रामा का राज भी बहुत बड़ा कार्य करता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है ड्रामा। अच्छा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।